देखो मेरी मालूम है हाँ भैया ही आते हैं आपका ज्यादा करते हैं बात हो रही है भैया की तबीयत खराब हो गई। तुम और दिमाग खराब मत करो, तुमको अटैक आया हुआ है और वहाँ पर बैठा है, तुम यहाँ फायदा उठा रहे हटो यहाँ से हटो हटो बोलो मित्र हटो यहाँ से अब जो होता देखा देंगे शराफट से बात कर रहे ना सामान फेंक रहे दो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन बेगम है, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद रिजवान खान है, मैं अहमद कॉलोनी टोली चौकी एमडी लेंस में रहती हूँ। वहाँ पे क्या बोलते सर मेरे बच्चों पे मेरे पे बहुत जुल्म करे, पूरा सामान निकाल के भेज दिए। इलना खाजियों के ख़ानदान है, सदर खाजी मेरे मामू ससुर है और मेरे जेठ भी खाजी है, मंजे जेठ भी खाजी है। और क्या बोलते सो मेरे शौहर मोहम्मद रिजवान खान है, देवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहाँ पूरे इतना बेतुका मार के घर के बाहर मेरे को मेरे बच्चों को कर दिए। और क्या बोलते सो घर के अंदर नहीं आने देना 8 दिन से, आज लास्ट संडे से फिर संडे आ गया, 8 दिन से मेरा सामान रोड पे, मेरे बच्चे रोड पे है, कुछ खा रहे नहीं पी रहे नहीं, ना शौहर मेरा ख्याल कर रहे। इतना खाजियाँ हो के अपनी क्या बोलते कंप्लेन करे तो वहाँ पे भी नहीं आ रहे, पुलिस स्टेशन भी नहीं आ रहे, नोटिस भेजे तो नोटिस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बोले तो एक ही बात बोल रहे हम आपको नहीं मालूम। जो जेठ है यासिन खान परवेज नायब काजी है, उनकी गुजर मेहंदीपट्टनम पे ऑफिस भी है, उन्होंने भी उन लोगों के साथ ही मिले हुए हैं, मंजले जेठ जो मारे यासिन खान पर हमीद खान काशिफ उन्होंने भी खाजी है, पूरे खाजियाँ हैं। खान काशिफ मेको और बच्चों को मारे और अभी तक बच्चे का बुखार कम नहीं हुआ, छोटे बच्चे को ढकल दिए थे मेको रोड पर लाके मारे, उसका भी वीडियो है मेरे पास, और देवर भी मारे, उन दोनों भी मारे। कंप्लेंट कहाँ करें माँ? लंगरोस पीएस में करी सर, मैं एफआईआर करी, अभी तक उन लोगों को अरेस्ट भी नहीं करे सर। किसके ऊपर कंप्लेंट हुआ? हमीद खान काशिफ जो खाजी है उनके ऊपर, उनकी बंजारा हिल्स की गुजर है निकी खान, यहाँ वहीं पढ़ाते उन्होंने पूरे। आपके शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान खान है। और एक कंप्लेन इमरान खान के ऊपर हुई, दोनों के ऊपर कंप्लेन हुई सर। शौहर क्या करते हैं आपके? उन्होंने भी खाजी है सर, लेकिन अब इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं। कहाँ रहते हो पूरे जने? अहमद कॉलोनी एमडी लाइंस जी हो सर, 8 दिन लास्ट संडे से ये संडे से मैं रोड पे छूँ सर। वजह क्या कोई नहीं आने दे रहे आपको घर में लोग? घर में इसीलिए नहीं आने दे रहे सर, उनके भाई को हिस्सा नहीं होना, हिस्सा नहीं देते, बोरे खाजिया होके ऐसा कर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ जा रहे सर, शरीयत आखिरत सब भूल के हम लोग घर में नहीं आने दे रहे। अब रोड से सामान है, सो रहे क्या, खा रहे किधर? और ऑटो में सो रहे सर, हमला रात में दिन भर दुकान के सामने बैठ रहे हैं, घर को लग के 4 मलिया हैं, रोड पर बैठ रहे हैं, सामने वाले और बाजू वाले लाके खाना दे रहे सर, घर वाले कुछ नहीं दे रहे। इतनी कड़क सर्दी में आप रोड पे गुजार रहे? जी हो, 3 रात रोड पे रही सर, मेरे पास वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है उसकी, घर के सामने सीसीटीवी कैमरा है उसमें भी रिकॉर्डिंग है, हम लोग रात भर रोड पे रहे 3 रात। एक वीडियो बताया आप हम जिसमें आपको बाहर ढकल रहे हो लोग मलगी में से, वजह? मलगी में जो मेरे शौहर की मलगी लंगरोस पीएस में मैं इतनी चक्कर करी हूँ, लोगों के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद भी अभी तक अरेस्ट और एक्शन नहीं लिए सर, मुझे तेलंगाना पुलिस हैदराबाद से इंसाफ चाहिए, असद साहब अकबर साहब ये मेरी कंप्लेन एक्सेप्ट करिए, अपने मुसलमानों की कौम इस वजह से ही पीछे है जिसलिए, क्योंकि घर की जब खाजियाँ होकर इस्लाम शरीयत हर चीज़ मालूम रखे, घर की बहू बेटी को बाहर निकाल के इतना बुरा बुरा मार रहे, मासूम 3 बच्चे है, वो लोग सर्दी में 4 दिन से वो लोग बुखार है, शौहर का आता पता नहीं है, एक गिलास पानी नहीं पूछ रहे, ये सदर खाजी है फिर ये कैसे है, ये मेरे पूरे दोनों जेठा भी खाजी है, आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इन लोगों के ऊपर कुछ कड़क एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, मेरा सामान पूरा आज लास्ट संडे से ये संडे 8 दिन से पूरा मेरा सामान रोड पे है, मैं मेरे बच्चे रोड पे है, कोई पूछने आ रहा तो सबके कैमरे लेके रिकॉर्डिंग तो हर चीज़ ख़त्म, फेंक दे रहे लेके हाथ में से, मेकू मेरे बच्चों को यहाँ आए तो कुछ भी कर देते बोल के खुलेआम धमकी दे रहे। लंगर उसके 2 इंस्पेक्टर जब राउंडिंग पे थे उनके सामने ये खाजी होके हमीद खान काशिफ जो बंजारा हिल्स के खाजी है उन्होंने क्या बोले, कुछ भी कर दे तो तुम लोगों को काट के डाल दे तो यहाँ पे नहीं देना, खुलेआम मेरे हस्बैंड के सामने मेरे को धमकी दिए सर, वहाँ आना नहीं, हिस्सा पूछना नहीं बोल के
सिर्फ 4 पैसे के लिए ना आखिरत भूले हुए, मेरे को इंसाफ दे दीजिए, मेरे बच्चों के लिए होना है, मेरे को अपने लिए कुछ भी नहीं होना है। जब मेखू पूरी रोड पे लीला लीला के मार रहे थे मेरे जेट खाजी होके, हमीद खान काशिफ और इमरान देवर दोनों मार रहे थे, तो कोई कोई नहीं आए बचाने के लिए। जो भी वीडियो बना रहे थे उनका कैमरा ले लिए, और बस्ती में दूसरे जो लीडर्स है, जब मैं जाके ठहर रही हूँ जब मुझे मार रहे तो कोई नहीं आ रहे, जब उनके लिए कोई बात करने आ रहा पूरे लीडर आ जा रहे हैं, TRS के लीडर आके उनकी साइड ले रहे, बची ऐसा बची वैसा। आप लोग रहे, मैं 14 साल ज़िंदगी कह रही, मेरे को मालूम है वो लोग कैसे खाजियाँ होके कैसे अपनी बहू बेटी, अगर वो लोग अच्छे रहते 8 दिन से मासूम बच्चों को रोड पर रहने नहीं देते थे। TRS के लीडर आ उनके सपोर्ट में चले गए थे, उन लोगों को कॉल मैं करी थी लेकिन वो लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं। असद साहब, मेरी अकबर साहब से रिक्वेस्ट है, इस पर गौर करिए, रिकॉर्डिंग भी है उसकी, घर के सामने CCTV कैमरा है, उसमें भी रिकॉर्डिंग है, हम लोग रात भर रोड पर रहे 3 रात। एक वीडियो बताया आप हम जिसमें आपको बाहर ढकल रहे वो लोग एक मलगी में से, वजह मलगी में जो मेरे शोहर की मलगी थी उसमें हम लोग जाके सामान रख ले के बैठे थे सर, तो उसमें से निकलो बोल के पूरा सामान निकाल के फेंके और हम लोगों को मार रहे थे, बाहर निकलो वहाँ से बोल। आखिर नहीं रखने नहीं सर, उन लोगों को भाइयों को, एक भाई को हिस्से से बेदखल कर लेना है सर, उतना ही है और कुछ।